ग्वालियर जेल में बंद व्यापम घोटाले के 70 आरोपियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोपियों का कहना है कि या तो उन्हें जमानत दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु दे दी जाए। व्यापम आरोपियों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। 70 आरोपी छात्रों ने मांगी इच्छा मृत्यु। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लगाई गुहार। चिट्ठी लिखकर मांगी अपने लिए मौत। मौत की गुहार लगाने की ये खबर किसी और की नहीं बल्कि व्यापम जैसे महाघोटाले में जेल में बंद आरोपियों की है। खूनी घोटाला की जांच जहां तक सीबीआई कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर जेल में बंद 70 आरोपी छात्रों ने पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि या तो उन्हें जमानत दे दी जाए या इच्छा मृत्यु दे दी जाए। छात्रों ने अपने परिजनों के माध्यम से ये पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि जबलपुर, भोपाल और इंदौर में उन्हीं के समान आरोपों के तहत बंद किए गए छात्रों को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद जेल में ही रहना पड़ रहा है। खबर तो ये तक है कि छात्रों ने राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पत्र भेजा है। इसमें व्यापम मामले की पूर्व में जाँच कर रही एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एसआईटी ने आरोपियों के कोरे कागजों पर दस्तखत ले लिए थे और अपनी मर्जी से उसमें बयान दर्ज कर दिया। वहीं दूसरी ओर जेल प्रबंधन का कहना है कि राष्ट्रपति को जेल में बंद किसी भी आरोपी ने चिट्ठी नहीं भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।